तो मेरठ में कपड़ा कारोबारी के शोरूम से 50 लाख के गहने चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दुकानदार अपनी पत्नी के गहने शोरूम में ही रखते थे। वारदात से दो दिन पहले दुकान के सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए और अज्ञात चोर छत के रास्ते दुकान में दाखिल हुए और गहने लेकर फरार हो गए। चोर अपने साथ सीसीटीवी की डीवीआर भी ले गए हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस मामले के खुलासे के लिए इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं। पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अब इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। कपड़े के दुकानदार हैं मोहनलाल जी, इनके द्वारा थाना परिसरगढ़ में कल सूचना दी गई कि दो दिन से इनका सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। आज इन्होंने लाकर चेक किया तो उस लाकर से इनके जो कुछ घरेलू ज्वेलरी थी वो गायब मिली। बाहर से कोई ताला नहीं टूटा है, ऊपर छत का जीने का दरवाज़ा खुला हुआ इनके द्वारा बताया गया कि बाहर से किसी ने लॉक किया है और वो किसी ने वहाँ से सामान गायब कर दिया है। इनका ज्वेलरी काफ़ी लंबी ज्वेलरी बताया इन्होंने। हमारी दुकान में लोकर लगा हुआ है गल्ले के नीचे, उसमें करीब 900 ग्राम या 1 किलो गुड़ रखा हुआ था, वो कोई तोड़ के ले गया जी। जी, आपको कैसे पता चला? हमारे जब हमने रखने को कल सुबह मंडे की मॉर्निंग में जब हमने कुछ सामान उसमें से निकालना था या रखना था, उसमें रखने को जब हमने देखा तो टूटा हुआ मिला। लगभग कितने रुपए का नुकसान मान के चल रहे हो? करीब 50-55 लाख रुपये का।